हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का ये है। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी, आपको आपके पास टाइम होगा 3 आवर्स का एंड 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नोट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ई पार्ट है, डिफाइन एंटीबायोटिक्स, राइट एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेंसिलिन। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, फर्स्ट इसका 1 मार्क्स का है, सेकेंड 8 मार्क्स का और थर्ड 6 मार्क्स का, टोटल 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये करना है, फर्स्ट ये करना है या ये करना है। आप देख सकते हो, ए डिफाइन वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, एनुमरेट वेरियस वैक्सीन अवेलेबल टू प्रिवेंट 6 किलर डिजीजेस, सी है चॉक आउट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अप टू 5 ईयर ऑफ एज। इस क्वेश्चन के भी मार्क्स आप देख सकते हो, किस वे में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट है इन्फेक्शन, सेकेंड डिसइन्फेक्शन, थर्ड स्टरलाइजेशन, फोर्थ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड बी है, क्वेश्चन 2 का बी है, हाउ बायोमेडिकल वेस्ट इज मैनेज्ड इन योर हॉस्पिटल, सी है राइट अबाउट स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर टू बी फॉलोड बाय ए नर्स इन क्लिनिकल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, ए है डिफाइन बैक्टीरिया, बी है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, सी है डिस्क्राइब द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, बी डिस्कस इन ब्रीफ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सी डिस्क्राइब हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट। इसके आप मार्क्स देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, 5 पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है, वेरियस कल्चर मीडिया, ऑटोक्लेविंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस स्पेसिमेन, ग्राम स्टेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इनमें से एक आपने, इनमें से आपने एनी 5 करने हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब अगर आपको कोई इसमें डाउट हो या आपने क्वेश्चन एक्सप्लेन करवाना हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। आपको क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी तरह से इसका आंसर मिल जाएगा।